अस्सलाम वालेकुम। अपने 12वें लेक्चर में आपको वेलकम कहते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड सेंट्रीपेटल फोर्स। व्हाट अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होती है। ड्राइव एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स चूजिंग एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एंड एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को ड्राइव करना भी सीख पाएंगे आप लोग, और उसके साथ साथ हाउ टू यूज दिस इक्वेशन ये भी आप लोग यूज करना सीख पाएंगे। लफ्ज से जाहिर है कि पहले वाली जो हमारे पास एसएलओ है दैट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, उसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि सेंट्रीपेटल फोर्स होती क्या है, उसको डिफाइन करना आपको आना चाहिए। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन बेस्ड, ड्राइव करना आनी चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड है, प्रॉब्लम सॉल्व करना आनी चाहिए एप्लीकेशन बेस्ड है। तो इससे इस तरीके के सवालात क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? द फोर्स व्हिच कंपाइल्स द बॉडी टू मूव इन अ सर्कल एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कोई भी अगर ऐसी फोर्स है जो कि बॉडी को कंपाइल कर रही है, उसे बोल रही है कि तुम सर्कल में मूव करते रहो, उसे उस सर्कल के अंदर ही रख रही है, तो वो फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स कहलाती है। और ये जिस सर्कल में उसको रख रही होती है ये हमेशा उसके सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड होती है। अब जरूरी नहीं है कि ये फोर्स जो है वो एक जिसको इसका हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये एक इसका जनरल फॉर्मूला है, जनरल केस है। लेकिन नेचर में हमारे पास बहुत सी मोशंस हमें सर्कुलर या रोटेशनल मोशन नजर आ रही होती हैं, और वहाँ पे अलग अलग फोर्सेस होती हैं जो कि उन बॉडीज को कंपाइल कर रही होती हैं कि वो उनको सर्कल में घुमाते रहे। तो कॉन्सेप्चुअली ये बात आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं कि हर वो फोर्स, क्योंकि जब हम सेकेंड ईयर में इसके डिटेल डिस्कशंस पे जाते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमने लोअर क्लासेस में ग्रेविटेशन पढ़ी है, उसको भी हम इन्वॉल्व करेंगे बहुत सी जगहों पर। तो हर वो फोर्स याद रखें, किसी भी केस में अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की और वहां पे कोई ना कोई फोर्स ये काम करवा रही है, तो वो तमाम फोर्स वो जो भी हो वो कहलाती है सेंट्रीपेटल फोर्स। तो यहाँ पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लिखा हुआ, इसको करेक्ट कर लेते हैं भाई, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेंट्रीपेटल फोर्स नॉट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सॉरी फॉर दैट। तो ये मैंने कट डाउन कर दिया है यहाँ पे, कलर्ड विद अनदर कलर, तो ये सबको क्लियर हो गया ये सेंट्रीपेटल फोर्स। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ ताकि जनरल डिस्कशन को मैं कंप्लीट कर सकूँ। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हम बोलते हैं कि रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा है जो कि उसको सर्कल में घुमा रही है, और इस केस में वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, कूलम्स फोर्स होती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ प्लैनेट्स की, तो अर्थ है या सॉरी सन है, सन के अराउंड 9 प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, तो सन और इन प्लैनेट्स के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यानी यहाँ पे वो फोर्स जो कि उसको सर्कल में घुमा रही है, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसकी नेचर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और यहाँ पे उसकी नेचर ग्रेविटेशनल है। तो याद रहे हर वो फोर्स जो कि सर्कल में घुमा रहे। अब हम उसका एक जनरल फॉर्मूला, जनरल केस और ड्राइव करते हैं, बात करते हैं उसके हवाले से। सी दिस डायग्राम, अ बॉडी इज मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ सर्कल, डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल। अगर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है तो यकीनन कोई ना कोई फोर्स रही होगी, और जैसे कि मैंने आपको दो नेचर से एग्जाम्पल दिए, दैट फोर्स कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट फोर्स कैन बी ग्रेविटेशन, और एक और तरीके की एग्जाम्पल दे दूँ और उसी के न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे कि आप
क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग से स्टोन टाई करते हैं और स्टोन टाई करके उसको घुमाते हैं सर्कल में, तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहे होते हैं और वो फोर्स आप अपने हाथ से लगा रहे होते हैं वही उसको सर्कल में रिल करवा रही होती है, घुमा रही होती है। तो उस केस में वो फोर्स कौन सी होती है जो कि आपने अपने हैंड से लगाई। तो यहाँ पे भी अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है तो देर इज सम फोर्स, फोर्स ही ये काम करवा रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी। और डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, दैट इज सेंटीपेटल एक्सेलरेशन। और उस फोर्स को मैं, जिस फोर्स की वजह से ये काम हो रहा है, जिस फोर्स की वजह से एक्सेल जनरेट हो रही है, सेंटीपेटल फोर्स बोलते हैं। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट इज डिनोटेड बाय एफ सी। तो ये हमारे पास जो है सेंटीपेटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। सबको पता है हमारे पास कि अगर हमें फोर्स निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है एम ए। जब सेंटीपेटल फोर्स निकालनी होगी तो मास ऑफ द बॉडी आ जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सी होगी, सेंटीपेटल होगी। तो सेंटीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। बस आपने जब सेंटीपेटल एक्सेलरेशन ड्राइव करना सीख ली तो इट शो कि आपका काम हो गया। अगर अब आपसे सेंटीपेटल फोर्स के बारे में पूछ रहा है तो आपने बस फॉर्मूले लिख के उसको बता देना कि ऐसे आ जाना है। इसी में हम ये कर सकते थे कि वी की वैल्यू डाल सकते थे एम एन आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो इस नीचे वाले एक आर से ऊपर वाला एक आर कैंसिल होगा और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाएगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। सो यू हैव अंडरस्टैंड, यू हैव ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ सेंटीपेटल फोर्स। सेंटीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव कर लिया यहाँ पे, जो कि आप लोगों के लिए बड़ा आसान और बड़ा इजी था। और देखिएगा कि सेंटीपेटल एक्सेलरेशन बेसिकली अगर हमें पता हो तो फोर्स हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे ऐसे लोग के दो पार्ट्स पूरे हुए, हमने यहाँ पे ये डिस्कस करा व्हाट इज सेंटीपेटल फोर्स, हमने उसके फॉर्मूले ड्राइव करे और सेंटीपेटल एक्सेलरेशन से ये लिंक्ड थे। नाउ हाउ टू यूज दिस इक्वेशन आई स्मॉल न्यूमेरिकल दैट इज प्रेजेंट इन द केपीके बुक, उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे न्यूमेरिकल मौजूद हैं जो कि आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तो आपको यहाँ पे मैं सिर्फ सिखा रहा हूँ, बाकी ऐसे लोग भेजते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और न्यूमेरिकल्स आते हैं तो शेयर बिटवीन मेरे यूट्यूब कमेंट्स में शेयर कीजिए मुझसे, या फिर मेरे फेसबुक पोर्टल पे भी आप मुझे ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे मुझसे शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मेरे पास चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, डेटा डेवलप करते हैं। आ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 1 मीटर, इज यूज टू रिल अ 100 ग्राम स्टोन। 100 ग्राम स्टोन को हम रिल कर रहे हैं, यानी 100 डिवाइडेड बाय 1000 टू कन्वर्ट इट इन टू अ किलोग्राम इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ स्पीड, और जो स्पीड है उसकी दैट इज 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है। ये बड़ी आसान न्यूमेरिकल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, जो कि आपने समझना है। ये स्ट्रिंग है भाई और इस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, इस पे आप कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और उस फोर्स की वजह से ये अपनी डायरेक्शन को, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। और यही वो फोर्स है जो कि इसको कंपाइल कर रही है कि ये एक सर्कल में मूव करता रहे। लेकिन क्या वो आपसे सेंटीपेटल फोर्स पूछ रहा है? नहीं। आप तमाम लोगों को पता है, आप तमाम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर मटेरियल मीडियम भी आ जाए और मटेरियल मीडियम से मैं एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं तो मटेरियल मीडियम भी एक्शन का रिएक्शन पेयर बनाता है। यानी मैंने धागे की मदद से उस स्टोन को घुमाया, उसके ऊपर एक फोर्स लगाई, दैट इज द सेंटीपेटल फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय माय हैंड।
तो क्या धागा खामोश बैठेगा? धागा भी जवाब देगा, धागा भी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा जो कि टेंशन होगी, जिसकी डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट होगी लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड सिमिलर होगा। कीप इट वेरी सिंपल, आई कैन से दैट, मैं बड़ी आसानी से ये कह सकता हूँ कि एफ इज इक्वल टू माइनस टी। इससे ये पता चल रहा है कि टी जो है एफ के डायरेक्टली ऑपोजिट है, और टी इज इक्वल टू माइनस एफ। इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पे एफ जो है वो टी का ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों बातें मैंने सही लिखी है, किसी एक को रेफरेंस बनाया है और दूसरा क्योंकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट उसका नेगेटिव अल्फा वेक्टर है, तो वहां पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्शन के ऊपर लड़ना झगड़ना नहीं है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि टी हो या एफ, टी और एफ का मैग्नीट्यूड बराबर है, देयर इज नो डिफरेंस इन इट। और यहाँ पे फॉर्मूला एफ का होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सर आर तो हमें दिया भाई, आर नहीं दिया हुआ आपको, ये यहां से यहां तक क्या बनेगा? रेडियस बनेगा, और यहां से यहां तक की लेंथ दी भी तो है, कितनी दी भी है? 1 मीटर। सो एल इज द रेडियस हेयर। तो अब सारी वैल्यूज आपके सामने हैं, जस्ट पुट इट ऑन, वैल्यूज पुट कीजिए, टेंशन निकालिए, टेंशन एक फोर्स है, यूनिट न्यूटन होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आ रहा है टेंशन का आंसर। तो ये हमने एक छोटा सा लेक्चर था सेंट्रीपेटल फोर्स के बारे में समझने के लिए, उसके फॉर्मूले के बारे में समझने के लिए और उसको यूज करने के बारे में। तो ये हमारा अलहमदुल्ला होता है कंप्लीट।